हरियाणा में भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, उनका हस्तक्षेप इसमें जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली के जल मंत्री को आखिरकार मजबूरी में दिल्ली की तड़पती जनता को देखते हुए अनशन पर बैठना पड़ा। आज चौथा दिन हो गया लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी चुप है, देश के प्रधानमंत्री जी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली के लोगों के पानी का जो हक है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने लगातार कम किया है, उसके लिए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी आज चौथे दिन पानी सत्याग्रह पे अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठी हुई हैं। दिल्ली में जो ये पानी की स्थिति बनी है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है, दिल्ली के जल मंत्री की जो स्वास्थ्य की स्थितियों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आज अनशन स्थल पे ऑल मिनिस्टर मीटिंग हम लोगों ने बुलाई थी। हमने जो सभी परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद हम लोग दो निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के जल प्रबंधन के लिए बहुत सारे कार्य किए। लगातार नई पाइपलाइन डाली गई, दिल्ली के व्यापक क्षेत्रों में खास तौर से जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उनको सुचारू रूप से पानी पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। लेकिन इस साल जिस तरह से प्रचंड गर्मी का सामना पूरा देश कर रहा है, दिल्ली भी इस प्रचंड गर्मी के मार को झेल रहा है। ऐसे में आज दिल्ली के सामने इस भीषण गर्मी में जहां ज्यादा पानी मिलना चाहिए था उसकी जगह निर्धारित पानी में से भी 100 एमजीडी पानी रोका जा रहा। देश के अंदर जल बंटवारा हुआ, किस राज्य को कहां से कितना पानी मिलेगा। 30 साल पहले जब दिल्ली के लोगों के पानी का हक निर्धारित किया गया था तब दिल्ली की आबादी लगभग 1 करोड़ थी, लेकिन 30 साल बाद आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़, 3 गुना बढ़ गई, 3 करोड़ हो गई। लेकिन आज भी दिल्ली का जो पानी का हक है, आज भी जो दिल्ली को पानी दिया जाता है 30 साल पहले जितना था लगभग 1000 MGD, आज भी उतना ही पानी मिलता है। उसमें से गर्मी के समय में जब पानी की जरूरत ज्यादा बढ़ी, जो 1000 के लगभग MGD पानी जो दिल्ली को मिलता था उसमें से भी 100 MGD पानी जो है हरियाणा रोक रहा। 100 MGD पानी का मतलब है 46 करोड़ लीटर पानी आज दिल्ली को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने हर दरवाजे को खटखटाया। हरियाणा सरकार के साथ हमने संवाद करने की कोशिश की, हमने केंद्रीय जल मंत्री के साथ संवाद करने की कोशिश की, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जल मंत्री जी ने चिट्ठी लिखा कि आज दिल्ली के अंदर पानी का संकट पैदा हुआ है। हमने सारे रास्ते खटखटा लिए, सारे दरवाजे खटखटा लिए, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा है। इसलिए दिल्ली के लोग भी देश के नागरिक हैं, देश के प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। खास तौर से चूंकि हरियाणा में भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, उनका हस्तक्षेप इसमें जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली के जल मंत्री को आखिरकार मजबूरी में
दिल्ली की तड़पती जनता को देखते हुए अनशन पर बैठना पड़ा। आज चौथा दिन हो गया लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी चुप हैं। देश के प्रधानमंत्री जी इस पर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर दिल्ली के लोगों को 30 साल पहले जितना पानी मिलता था, 3 गुना आबादी होने के बाद उतना ही पानी क्यों मिलता है? जितना पानी मिलता था उसमें से भी 100 MJD पानी हरियाणा क्यों नहीं दे रहा है? इस पर प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है। आज सभी मिनिस्टर्स ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी मिनिस्टर्स की सिग्नेचर से सामूहिक तौर पर हम लोग ये आज प्रधानमंत्री जी को सारे मिनिस्टर्स की तरफ से चिट्ठी भेज रहे हैं कि आप इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। हरियाणा से जो अभी मानसून आने वाला, पिछली बार हमने देखा कि हम हाथ जोड़ते रहे, जब पानी उधर बढ़ जाता है तो हरियाणा सारा फाटक खोल देता है जिसमें दिल्ली के लोग डूबने लगते हैं। और आज जब दिल्ली को जरूरत है तो आज जो पानी मिलना चाहिए हक का, वो भी पानी नहीं दिया जा रहा है। तो अभी सभी मिनिस्टर्स की तरफ से, ऑल मिनिस्टर्स की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेज रहे हैं कि आप तुरंत हस्तक्षेप करें और इस समस्या का समाधान तुरंत करवाएं जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके। दूसरा जो हमने निर्णय लिया है, कल हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक LG साहब से मिलने गए थे। LG साहब से जब मिलने गए, पहले भी मिलने गए थे, पहले जल मंत्री आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी मिलने गए, कल दोबारा हमारे सारे लीडर मिलने गए। LG साहब एक ही बात कहते हैं, हरियाणा अपना पानी दे रहा है, हरियाणा अपना पानी दे रहा है, हरियाणा अपना पानी दे रहा है। सरकार के पास जो रिपोर्ट आ रही है, सरकार की रिपोर्ट कहती है वजीराबाद में नदी सूख गई, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, वजीराबाद में यमुना नदी सूख रही, वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट को जितना पानी चाहिए पानी नहीं मिल रहा, मुनक नहर से जो पानी आता है बवाना के अंदर, दिल्ली को जो पानी मिलता है वो पानी कम हो गया। LG साहब कह रहे हैं हरियाणा पानी दे रहा है, हरियाणा पानी दे रहा है, हरियाणा पानी दे रहा है। आज हमने ऑल मिनिस्टर मीटिंग में यह निर्णय लिया है। आज हम LG साहब से अपील कर रहे हैं, आप कल कोई भी समय निर्धारित कर दीजिए, हम सारे मिनिस्टर LG साहब के साथ वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट पे जाना चाहते हैं जिससे कि आंख के सामने क्या नदी की स्थिति है, कितना पानी चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट को, कितना पानी मिल रहा है, LG साहब भी देख लें, सारे अधिकारियों को भी साथ ले चलें, क्योंकि अधिकारी जो रिपोर्ट है वो कि कौन तोड़ मरोड़ रहा है पता नहीं चल रहा। तो हम चाहते हैं LG साहब से कि ज्वाइंट विजिट किया जाए, सारे मिनिस्टर हम आपके साथ चलेंगे, सारे अधिकारियों को साथ ले चलेंगे, वहां जो फ्लो चार्ट है रजिस्टर में रोजाना दर्ज होता है वो रजिस्टर चेक कर लिया जाए, कितना पानी 10 दिन पहले आता था, कितना पानी 1 हफ्ते पहले आता था, कितना पानी 3 दिन पहले आया, कितना पानी कल आया, ये सारा ऑन रिकॉर्ड है जो चेक हो जाएगा। मुनक नहर से जो भवाना के अंदर जो फ्लो मीटर लगा हुआ है वहां भी हम चलते हैं कि मुनक नहर में पहले पानी कितना आता था 20 दिन पहले, 10 दिन पहले कितना पानी आता था, 5 दिन पहले कितना पानी आता था, 2 दिन पहले कितना पानी आया है, वो सारा फ्लो चार्ट सामने आ जाएगा। हमारी किसी के साथ दुर्भावना नहीं है, हमारी तो केवल एक ही विनती है हरियाणा की भाजपा सरकार से भी, LG साहब से भी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, दिल्ली के लोगों को 3 गुना आबादी बढ़ने के बाद भी आप पानी नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन जो हमारा हक मिलता था 30 साल से उसका पानी तो मत काटो। हमारी तो इतनी अपील है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी दिल्ली के हक की लड़ाई है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। LG साहब से अपील है, कल आप किसी समय ज्वाइंट विजिट का समय निर्धारित कर दीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है, आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहा है, ग्राउंड रियलिटी हम आमने सामने बैठ करके चेक कर लेंगे। अगर पानी कम आ रहा है तो हम चाहते हैं कि हरियाणा वो पानी हमें दिल्ली को दे जिससे दिल्ली के लोगों के, लाखों लोगों को जो दिक्कत है वो उसमें जो है लोगों को सहूलियत मिल सके। ये 2 बड़े फैसले हमने अभी ऑल मिनिस्टर मीटिंग में रखी है।